ये देखिए केले पे रबड़ लगा रखी है, कभी देखा भी आपने केले पे? जैसे लिए कोई पॉलीथीन में चीज़ बंद करके रबड़ लगा देते हैं ना, केले पे रबड़ देखी कभी आपने? अभी ये आए, मतलब हम आए ना हॉस्पिटल से, तो ये आए हैं रास्ते में केले लेते हुए, और ब्राउन कलर की, ब्राउन वाली ब्रेड और बर्गर। बर्गर मैंने बोला था मेरा खाने का मन कर रहा था, मैंने सोचा था कि वो पड़े हुए मेरे पास पनीर की सब्ज़ी, तो आराम से हम बर्गर बना के खा लेंगे। ठीक है, अब ये केला लाए ना, इन्होंने क्या किया, एक केला खा लिया, दूसरा केला खाने लगे तो उनको कच्चा कच्चा लगा, कहते तो कच्चा कच्चा है। मैंने कहा तुमने छील ही लिया तो खा ही लो, नहीं उस पर रबड़ लगा के रख दिया, पक जाएगा तो खाएंगे, है ना, कोई बात नहीं, मैं रात को खा लूँगी, देख लूँगी, खाने लायक हो गया ही वैसे तो, पर ऐसे खुला हुआ केला अच्छा सही नहीं है ना, तो रबड़ लगा के रखी हुई है। वाह, हेलो व्यूअर्स, आज 21 तारीख और मैं आपको दिखा रही हूँ, लाइट क्यों नहीं जल रही, जल गई। ये देखिए स्वाति ने बाथरूम चमकाया अपना, बहुत ही गंदा था ना, ये देखिए फालतू सारा सामान निकाल दिया है, अब इसमें एक दो बारी और अच्छे से साफ करने पड़ेगा सारा कुछ, अब नहाने लायक हो गया, मतलब रात को बड़ा गंदा पड़ा हुआ था। ठीक है, वर्ष पौने को हो रहा है, ये देखिए मेरा वाला बाथरूम, ठीक है, ये मैंने रात को ना नहाया भी था फिर भी धोया था, और ये मैंने अपना सिंक विंक सब, ये बाथरूम चमकाया था पूरा, अच्छे से पानी डाल के इसको धोया भी था और नहाया भी इधर ही था, क्योंकि दूसरे दो बाथरूम में नहा नहीं सकते थे, अभी उसमें कुछ लगा हुआ था, मतलब तो नहाने मना किया हुआ था, वो जो ग्रीन टब है ना वो सारा खाली हो गया था, उसको भी धो माँज के मैंने रात को बाहर सुखाने के लिए रख दिया था। और सुबह हस्बैंड ने मोटर चलाई, कल पानी ख़त्म हो गया था तो सुबह मोटर चला के भर दिया इसको भी, और बस ये देखिए, और सफाई वाली सफाई कर गई है, कल तो आई नहीं थी वो झाड़ू पोछे वाली जो थी वो, पर आज आई है, आज सफाई कर गई है। ठीक है, और बस वो वाला बाथरूम है एक जो उसके पापा वाला, वो बहुत बुरी हालत में है, क्योंकि आज सुबह प्लम्बर आया ना तो उसको पैसे कुछ देने थे अभी, वो फिर उसमें फिर बड़ा कचरा मच गया है, मतलब कुछ लगाना था, वो होती है ना वाइट कलर का सीमेंट वगैरह कहीं लगाना था, वो तोड़ फोड़ करके फिर ख़राब कर गया, उसको साफ़ करना, पर वहाँ पर आज पानी नहीं डाल सकते। ठीक है, तो बस ये कुर्सी है, इस पर मैंने ना तकिए का पुराना गिलाफ था वो इस पर पड़ डाल दिया, इसलिए कि मैला ना हो, ये मैला हो ना तो इसको उतार के धोना बड़ा मुश्किल है, इसको कैसे साफ़ करेंगे, जैसे मैं इस पर रोज़ बैठना होता है, मैं पता नहीं किचन में जब भी काम करते हैं बैठती हूँ, पर कुर्सी बड़ी कम्फर्टेबल है। व्यूअर्स, ये देखिए मैं ना तड़का काट रही हूँ, अदरक तो काट लिया है, अदरक दो हरी मिर्चें काट ली हैं, अभी प्याज धो लिया है, छील लिया है, और ये टमाटर अदरक ये अदरक नहीं लहसुन काटना है, पहले सब्ज़ी बनाने लगी हूँ, रात को जो राजमा बनाए थे ना वो मैं अभी ढूंढ रही थी, सारे ही गायब है ही नहीं, ख़त्म हो गए सारे, रात को मैंने सोचा थोड़े बहुत बचे होंगे, तो पनीर पड़ा था तो मैं सोच रही थी पनीर भी ज़्यादा दिन नहीं टिकता ना, ख़राब होने लग जाता है, तो मैं सोची पनीर की ना मैं भुर्जी बना लेती हूँ, अब जल्दी में सब्ज़ी यही बन सकती है, क्योंकि दूसरी सब्ज़ी में टाइम लगेगा और टाइम हमारे पास कम है, तो आज हॉस्पिटल जाना है, दो डॉक्टरों को दिखाना है, एक को इनको दिखाना है, एक को मेरे को दिखाना है, अगर जा सके तो जाएंगे, नहीं तो काम घर में बहुत है करने के लिए, तो ऐसे आज प्लम्बर आया था ना मैं बताया आपको, उसको थोड़े बहुत पैसे उसके रह गए थे वो देने थे, और साथ में जो है कुछ काम वो बाथरूम में इसके पापा वाले में थोड़ा सा काम था वो कर लिया उसने, तो बस बस मैं फटाफट पनीर की भुर्जी बनाती हूँ और रोटी बनाती हूँ, ना तो मैंने रात को ही लिया था अभी नींद आ रही, फिर भी रो लिया था, देखो कभी भी नहीं कर रही, टाइम नहीं मिला मेरे को, बस साथी अपना काम कर रही है, उसके पापा एक्सरसाइज करें, वो कह रहे पे एक्सरसाइज करके ना लेता हूँ, तब तक मैंने कहा मैं खाना बना लेती हूँ, तो देखते हैं क्या पाते हैं कि नहीं आ जाए हॉस्पिटल, पिछली बार जब गए थे सैटरडे को गए थे, अब एक ही डॉक्टर को दिखा पाई थी मैं अपने दूसरे वाले को, उसने मेरे को दवाइयाँ लिख दी थी ताकत की, मतलब और एक पीछे मेरी कमर कट जाती उसके लिए जल लिख दिया था, अभी वो लेकर नहीं आई दवाइयाँ, क्योंकि ऑफिस से लाएंगे ये, जिनको ऑफिस भेजना मुझे, कल रात को तो फिजियोथेरेपिस्ट आ गया था, मेरे तक रही कितने बजे आया, 9 बजे आया था, 9:30 बजे आया था फिजियोथेरेपिस्ट, उससे पहले मैंने खाना मेरा बन चुका था, राजमा चावल बन गए थे, पर मुझे लग रहा था शायद नहीं आएगा, क्योंकि सारा दिन उसका कोई मैसेज भी नहीं आया, मैं कहा शायद नहीं आना होगा, चलो हॉस्पिटल वालों ने कुछ थोड़ी सी अलग एक्सरसाइज बताई थी, वो कहते हैं ये जो एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट करा रहा है ना ये तो अब बंद हो जानी चाहिए, ये बहुत शुरू शुरू में करते हैं, अब खड़े होने वाली एक्सरसाइज कुछ करनी चाहिए, पर वो खड़े होने वाली वही एक्सरसाइज थी कल उसने कराई थी, जो मैं ना वॉकर पकड़ के करती हूँ वो वाली थी, वही करा रहा था, मैंने कहा ये तो मैं खुद वॉकर पकड़ के कर लेती हूँ, ये तेरे को पहले वाले वो हॉस्पिटल के जो थे ना
फिजियोथेरेपी सेशन उन्होंने बताई थी। टोटल 7 एक्सरसाइज होती है। कल रात को मैंने वो वाली एक्सरसाइज करी नहीं, वो जो लेट के हॉस्पिटल वाली एक्सरसाइज है ना, सोने से पहले मैं करती हूँ, वो मेरे को ना बहुत थकी हुई थी, मेरा मन भी नहीं करता, मैंने नहीं करता। बाकी 6 एक्सरसाइज हो गई, 7वीं रह गई, वो नहीं मन करा मेरा। वैसे भी उस समय मैं वीडियो वगैरह का काम कर रही थी, एडिट कर रही थी, टाइम भी ज़्यादा हो गया था, तो मेरा मन भी नहीं करा। थकी भी तो हुई थी मैं, इतना ज़्यादा काम घर में बंदे लगे हो ना तो काम भी बढ़ ही जाता है, सफाई का भी बढ़ता है, साथ में कई काम, उनको खाना देना, चाय देना, सारा उनका ध्यान रखना, तो कई काम करने पड़ते हैं ना बीच में, बिजा जाके अपना काम छोड़ दे। चलो कोई पता, 1.5 दिन लगा रहा बंदा, ठीक। अब 1.5 दिन में चलो काम तो हो गया, पर इसके पापा को ना अपना वो जो उन्होंने टॉयलेट सीट और वो ली है ना, वो पसंद नहीं आ रही, कह रहे मैं चेंज कराऊंगा। मैं कब तक तुमने लगवा भी लिया, अब कैसे चेंज होगी, लग चुकी है। और वो उनको अपना सिंक भी पुराना वाला पसंद नहीं, सिंक नहीं वाश बेसिन पसंद नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं कि वो ना मैं नया लगवाऊंगा। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा तो करेक्ट भी नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल टूटा फूटा नहीं है। तो कह रहे मैं ऊपर की वो चेंज करा लेता हूँ, नल चेंज करा लेता हूँ। तो वो कह रहे ठीक है, नल आप ले आना, हम लगा देंगे नल। उनको नया वाला लगाना ना, जो इस तरह वाला है वो वाला, उनको पुराना वाला नल पसंद नहीं आया। कल मैंने अपने बाथरूम में ना जब वॉशिंग मशीन पड़ी है, उनके नल वल भी साफ़ किए थे, पर वो पता नहीं इतने पुराने हैं कि काले हो रखे हैं, मतलब वो है तो स्टील के थे पहले, पता नहीं कैसे काले हो गए। कल मैंने उसको सर्फ से अच्छे से मतलब साफ़ किया, पर वो काले के काले ही रहे हैं, साफ़ नहीं हुए। तो मैं कहा शायद छोड़ो, चलो मिट्टी विट्टी तो निकल गई होगी ना, प्याज कट गया, मैं चलो सब्जी बना लेती हूँ। सब्जी का तड़का लगा रही हूँ, इस बार पुरानी वाली कढ़ाई में बना रही, इतना टाइम नहीं है इतना, और बड़ी कढ़ाई में बटन नहीं बन सकता ना, थोड़ी सी सब्जी बना ली। छोटी कढ़ाई को फिर धुआं धोना पड़ेगा अभी। तड़का भून रही हूँ, दो टमाटर डाल लेंगे, ठीक है। और इसकी भुर्जी बना लेती हूँ पनीर की, ये है कड़ा मेरा पनीर, मेरा अगर कम पड़ गया तो और ले लूँगी, क्योंकि पनीर भी ज़्यादा दिन तो रखा नहीं जाता, खराब होने लग जाता है, इतना महंगा आता है पनीर वैसे। ये पता आधा किलो पनीर उठा लाए थे, एक दिन पहले लाए थे 200 ग्राम, उस अगले दिन फिर वो इससे जहाँ पे सामान लेने गए थे वहाँ से आधा किलो और उठा लाए। तो हम क्या कर रहे थे, पनीर का यूज़ कर रहे थे सैंडविच बनाने में, अभी तक तो उसी में बनाई, या फिर वर्मा के लिए बनाई तो उसमें डाल लिया, ऐसे करके यूज़ कर रहे थे। तो आज ब्रेड ख़त्म हो गई है, कल से ख़त्म है, अभी लाए नहीं, तो आज सैंडविच भी नहीं बनाए सुबह। चलो मैं सब्ज़ी है, थोड़ा मैं ना रसमी सी सब्ज़ी बना रही हूँ, मेरे को सूखी भी अच्छी नहीं लगेगी, हल्का सा पानी डाला है, मैं टेस्ट करके देखती हूँ, ठीक है। सब्ज़ी मसाला भी डाला है इसमें, और मैं आपको दिखाती हूँ, ये दही है मैं हमारा, इसके पापा की ड्यूटी है, वो दही जमा देंगे, बड़ा अच्छा जमता है ये देखो। तो मैं सोची हूँ बूंदी का रायता बना लेती हूँ, वैसे तो मेरे पास पड़ा है ये कल वाला थोड़ा सा रायता पड़ा है, प्याज टमाटर का बनाया था मेरे, एक करेला पड़ा हुआ है, और ये चटनी भी पड़ी है तो जल्दी ख़त्म ही नहीं होती एक बार। मैं सोची हूँ ताज़ा भी ताज़ा दही का मैं वो बना लेती हूँ बूंदी का रायता, तो वही बनाने लगी। 6:20 हुए, 6 बजे घर आई हूँ, और आते ही मैंने क्या करा, मुँह हाथ धो के, और ये देखिए बर्गर बनाए हैं, बर्गर इनको बोला था ब्रेड और बर्गर ले आओ, तो ये ले आए थे। तो इसमें मैंने क्या डाला है, मीठी वाली सॉस, और बीच में पनीर वाला मसाला, वो जो मैंने आज पनीर बनाया था ना सूखा, वो काम आ गया। अब इसको सेक रही हूँ, इधर मेरी चाय है, चाय पी रही हूँ, उसके बाद 6:30 बजे उसने आ जाना है फिजियोथेरेपिस्ट, में उसका मैसेज आया 6:30 आ रही, तब तक चाय तो पी लूँ कम से कम, उसके बाद ही बात करते हैं आपसे। हेलो व्यूअर्स, हालत ख़राब है, आज हॉस्पिटल गई थी, 3:15 बजे निकले थे, 6:15 बजे आए, फिर 3 घंटे टाइम मतलब लग गया, 3 घंटे गए तो ऑटो में थे, वापस में पैदल ही आई हूँ। मौसम बहुत अच्छा था बाहर, तो हल्की हल्की ना बीच बीच में बूंदाबांदी भी हुई है, मौसम बहुत सावन और ठंडा था, शाम का टाइम था, तो मैं पैदल अपने हस्बैंड के साथ ही आ गई। तो बस आगे अपना मुँह हाथ धो के ये बर्गर मैंने खाने लगी हूँ, और चाय थोड़ी सी पीने लगी हूँ, क्योंकि अभी 6:30 बजे वो उसका मैसेज आया फिजियोथेरेपिस्ट का। आज पता मैं क्यों गई थी, मेरे को दिखाना था ENT को, कार्डिय वाला ना मेरा 5-6 साल पहले बंद हो गया था, तो फूड पॉइजनिंग हुई थी, उसके टेस्ट वेस्ट जब मैंने कराए थे ना, तो उस समय ये दोनों ही कान बंद हो गए थे। फिर मैंने जो है उसको मशीन से जो बैल निकालते हैं, इसकी वैक्स निकालते हैं, वो भी निकलवाई थी, तो ये डॉक्टर को भी अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाया था, वो कह रही थी खुल जाएंगे थोड़ी देर, कोई बात नहीं, पर ये वाला तो खुल गया था, ये नहीं खुला, मतलब राइट वाला खुल गया, लेफ्ट वाला नहीं खुला, वैक्स निकलवाने के बाद भी नहीं खुले, मतलब नहीं खुला,
तो फिर अब जो है ना कुछ दिन से मेरे को इसमें भी ऐसे लग रहा था कि इसमें भी सुनना थोड़ा कम हो गया है, ऐसा लग रहा था। पहला एक तो पहले ही बंद है, दूसरा भी बंद हो गया, तो मैं तो बिल्कुल बैठा नहीं रहती मतलब कोई क्या बोल रहा है मुझे तो समझ ही नहीं आएगा। इसलिए फिर मैंने सोचा कि आंटी को दिखा लेते हैं, मेरे हस्बैंड ही उन्होंने काफ़ी थी आंटी को दिखा, तो गई थी आज वहाँ पर। भीड़ तो होती है, पहले पर्ची बनवाओ फिर बैठे रहो वेट करो। मैं अखबार ले गई थी, फिर वही अखबार ही पढ़ रही थी, मेरा नंबर आ गया। मैं हस्बैंड को भी दिखाना था खुद को, उन्होंने हाइड्रोसिली का जो ऑपरेशन कराया था ना स्कूल से एरिया में, एक साइड में उनके एक साइड तो ठीक है, दूसरी साइड में हल्की दर्द होती है, तो वो पीठ से दर्द स्टार्ट हो के पेट में नीचे आके ऊपर पेट में जाती है, मतलब कुछ इस तरह से उनको दर्द होती है। तो वो दिखाया था, पता एक्सरे कराया था, उसने भी एक्सरे की रिपोर्ट में भी यही दिखाया आ रहा था कि उनका जो है ना हाइड्रो एक साइड में थोड़ा थोड़ा पानी भरने लग गया है, वो एक तरह की एक साइड में गांठ दिख रही है, शायद उसमें पानी भर गया, इसलिए वो एक्सरे कर वो अल्ट्रासाउंड कराया था शायद एक्सरे भी। तो वो फिर वो रिपोर्ट डॉक्टर को दिखानी थी, दिखाई है, फिर अब वो इन्होंने अलग दिखाया, मैंने अलग दिखाया, मतलब मेरे डॉक्टर अलग थे, उनके ऊपर वाले फ्लोर पे थे मेरे ग्राउंड पे। तो मेरे वाले डॉक्टर ने यही बोला है कि कान की दवाई दी है, ईयर ड्रॉप्स लिख के दिया है, वो डालो 5 दिन मंडे को आके दिखाना, और फिर वो वैक्स निकालेंगे, कह रहे हैं आपके दोनों कानों में वैक्स है, तो वैक्स निकालेंगे मशीन से और उसके बाद देखते हैं क्या, उसके बाद मतलब ये तो खुल ही जाएगा। खैर इसमें तो 50-60% सुन रहा है, इसमें नहीं सुनता ना, तो पता नहीं देखो अभी सारे कान का क्या होगा कि आगे क्या वो स्टेप उठाएंगे वो मुझे नहीं पता। पर पहले तो मैं 5-6 दिन दवाई डालती हूँ, देखती हूँ शायद इससे फर्क पड़ गया, ठीक है। घर में मैंने ईयरबड से भी ना थोड़े दिन पहले दोनों कानों में मैल निकाली थी, और मैं और ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट किया था तो उन्होंने मेरे को ईयर ड्रॉप बताई थी, वो मैं डाल रही थी, पर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा ज़्यादा। चलो मैं पहले चाय पी लूँ इससे पहले कि मेरे फिजियोथेरेपिस्ट आ जाए। देखिए कपड़ों का ढेर एक, और एक ये कपड़ों का ढेर, पता कहाँ से आया आज दोपहर को मैंने देखा, मैंने इतने सारे कपड़े कहाँ से आ गए, हस्बैंड लगे हुए थे इधर कपड़ों को कुछ करने हैं, तो मैंने इन्हें बोला आज वॉशिंग मशीन तो चलाई नहीं, तो कपड़े तो धुले नहीं, तो फिर ये कहाँ से आ गए इतने कपड़े। तो इन्होंने पता क्या किया, ये देखो ये इनकी करतूत है सारी, इन्होंने मेरी अलमारी वो जो सामने दिख रही है ना उसके 2 खाने खाली कर दिए, और कह रहे थे मेरी अलमारी की चाबी नहीं मिल रही, इसलिए मेरे सारे कपड़े निकाल के देखो एक ढेर ये बना दिया, एक खाने का सामान ये रहा और एक खाने का सामान ये रहा, कहते मैं सेट कर दूंगा। मैंने कहा तुम क्या खाक सेट करोगे, तुम्हें पता ही नहीं कैसे सेट करना है, मैं अपनी अलमारी का सामान खुद सेट कर लूँगी, पर यह तो गलत बात है ना कि चाबी ढूंढने के लिए मेरे दोनों खाने खाली कर दिए, बताओ गलत बात है। दाल तैयार है, दाल घिया ये देखिए, हरा धनिया डाला है अभी, थोड़ा सा नमक कम था वो डाल दिया है, ये देखिए दाल तैयार है, और चावल भी मेरे तैयार हैं, अब बस मैं खाना परोस ही रही हूँ।